नमस्कार, कोचिंग डेपो वेरावल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम LHB कोचेस में यूज होने वाले न्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम और फीबा डिवाइस के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे एंड्रॉइड में फीबा डिवाइस से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और उनकी ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम का एक पार्ट होता है एयर स्प्रिंग या एयर वेलो। ये एयर वेलो LHP कोचेस में बॉगी के सेकेंडरी सस्पेंशन की जगह सेकेंडरी सस्पेंशन का काम करता है। एक कोच के अंदर चार एयर वेलो लगे रहते हैं, एक बोगी में दोनों साइड एक एक एयर वेलो। एयर वेलो के ऊपर डॉम होता है जो ऑक्सिलरी रिजर्वर की तरह काम करता है, जिसकी कैपेसिटी 60 लीटर की होती है। एयर वेलो लेवलिंग वॉल, हॉरिजॉन्टल लीवर और इंस्टॉलेशन लीवर के द्वारा कनेक्टेड रहता है। लेवलिंग वॉल, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, लेवलिंग वॉल एयर वेलो की हाइट का लेवल मेंटेन करता है इंस्टॉलेशन लीवर और हॉरिजॉन्टल लीवर की सहायता से। इसके अलावा दोनों एयर वेलो के बीच में एक डुप्लेक्स चेक वॉल कनेक्टेड रहता है। ये डुप्लेक्स चेक वॉल डुप्लेक्स यानी कि ये डबल साइडेड काम करता है। बेलो 1 से बेलो 2 की तरफ भी एयर फ्लो करता है और बेलो 2 से बेलो 1 की तरफ। डुप्लेक्स चेक वॉल्व, डुप्लेक्स चेक वॉल्व का मेन काम है दोनों एयर वेलो के बीच में जब प्रेशर डिफरेंस 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो जाता है तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर को फ्लो करता है। इसके आगे दो आइसोलेशन कॉक वेंट वॉल फीचर के साथ में लगाए गए हैं और उसके बाद में फीबा पैनल लगाया गया है। ये दोनों आइसोलेशन कॉक फीबा डिवाइस के लिए टेस्टिंग कॉक की तरह भी काम करते हैं और अगर कभी इनकेस रस्ते में कोई पंचर हो जाता है एयर वेलो में तो उस एयर को जल्दी से बाहर निकालने के लिए भी, एग्जॉस्ट करने के लिए भी काम आते हैं। फीबा पैनल से एक लाइन कनेक्टेड है जिससे इंडिकेटर जुड़े हुए हैं जो कोच के दोनों तरफ लगे रहते हैं। फीबा पैनल बीपी से भी कनेक्टेड रहता है एक आइसोलेशन कॉक के थ्रू। फीबा पैनल में एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है 8 mm का जो कुछ खराबी होने की वजह से या हमारे न्यूमेटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तब ये बीपी के प्रेशर को एग्जॉस्ट कर देता है और गाड़ी में ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। इसके बाद एक आइसोलेशन कॉक दिया गया है इस बॉगी के लिए, एक साइड की बॉगी के लिए एक आइसोलेशन कॉक दिया गया है, दूसरी साइड की बॉगी के लिए दूसरा आइसोलेशन कॉक दिया गया है। यानी हमें सिर्फ इस बॉगी को आइसोलेट करना है तो इस कॉक की सहायता से आइसोलेट किया जा सकता है। इसके बाद MR मेन रिजर्वर है जिसकी कैपेसिटी 150 लीटर की होती है। ये MR चारों एयर बेलो, एक कोच के चार एयर बेलो को एयर सप्लाई करता है। यहाँ पे NRB लगा हुआ है जो MR के प्रेशर को फीड पाइप में रिवर्स जाने से रोकता है। एक डस्ट कलेक्टर है और उससे पहले आइसोलेशन कॉक दिया गया है। इस आइसोलेशन कॉक की सहायता से पूरे न्यूमेटिक सिस्टम को ही आइसोलेट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एयर फ्लो किस तरीके से होता है न्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम में। फीड पाइप का प्रेशर आइसोलेशन कॉक डर्ट कलेक्टर NRB के थ्रू होता हुआ मेन रिजर्वर को चार्ज करता है। मेन रिजर्वर से बॉगी 1 की तरफ और बॉगी 2 की तरफ FP का प्रेशर जाता है। बॉगी 1 के आइसोलेशन कॉक से होता हुआ ये लेवलिंग वॉल के थ्रू एयर बेलो 1 में और दूसरे लेवलिंग वॉल के थ्रू एयर बेलो 2 में जाता है। दोनों एयर बेलो के बीच में से दो ब्रांच पाइपलाइन कनेक्टेड है जो फीबा पैनल तक जाती है। बीपी से एक ब्रांच पाइपलाइन है जो आइसोलेशन कॉक के थ्रू फीबा पे कनेक्टेड है। बीपी का प्रेशर इस तरह से फीबा में आता है। अब हम देखते हैं कि एनरूट में फीबा से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और उसका कैसे ट्रबल शूटिंग की जाती है। जब सब कुछ नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में रहेगा तो एयर फ्लो जिस तरह से शो हो रहा है इस तरह से एयर फ्लो चलता रहेगा और इंडिकेटर ग्रीन शो करेगा। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है यानी फीबा मालफंक्शन कर देता है या कहीं कोई लीकेज होता है तो क्या होता है,
बीपी का प्रेशर फीबा के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकलता है, तो बीपी का प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से गाड़ी में ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं, फीबा का इंडिकेटर रेड हो जाता है। इस कंडीशन में हमें सबसे पहले आकर के फीबा से जो बीपी का पाइप कनेक्टेड है इसको आइसोलेट कर देना है। आइसोलेट करने के बाद में चेक करना है कि कहीं कुछ हैवी लीकेज या कुछ लीकेज तो नहीं है। लीकेज अगर नहीं है, फीबा किसी और एजेंसी या मालफंक्शन की वजह से ही ऑपरेट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, फीबा अलग अलग तीन कंपनी का आता है, उन तीनों कंपनी का रिसेट प्रोसेस होता है, उस रिसेट प्रोसेस से इसे रिसेट करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ये नॉर्ड रिम्स का है जिसमें एक नॉब होती है, वो नॉब वर्टिकल रहती है, तो इसे जब रिसेट करना होता है तो इस नॉब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कर देंगे। हॉरिजॉन्टल करने के बाद में जो इंडिकेटर है वो रेड से ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो जाने के बाद में हम फिर से इस बीपी पाइपलाइन को ओपन कर देंगे, आइसोलेशन कॉक को ओपन कर देंगे और गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे जाएगी। दूसरा होता है इसमें एक फैबली का, फैबली मेक का जो फीबा होता है उसमें दो पुश बटन दिए होते हैं, उन दोनों पुश बटन को हमें वही प्रोसेस वही है, सबसे पहले बीपी को आइसोलेट करना है, बीपी को फीबा से आइसोलेट करना है और फीबा जो फैबली के दोनों पुश बटन है उन्हें प्रेस करना है। तब तक प्रेस करना है जब तक ये रेड से ग्रीन ना हो जाए। जैसे ये ग्रीन हो जाएगा उसके बाद हमें फिर से आइसोलेशन कॉक को ओपन कर देना है और गाड़ी जाने देनी है। तीसरा होता है एस्कॉर्ट कंपनी का। एस्कॉर्ट कंपनी में क्या होता है, उसका प्रोसेस भी रिसेट का सेम है। जैसे ही आपका इंडिकेटर रेड हो जाता है सबसे पहले इस बीपी के आइसोलेशन कॉक को आप बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद में एस्कॉर्ट के अंदर तीन रिंग होती है, 1 2 3। सबसे पहले दोनों एंड की रिंग को हमें बाहर खींचना है, खींच करके कुछ सेकंड के बाद में उसे छोड़ देना है। उसके बाद बीच वाली रिंग को खींचना है और कुछ सेकंड के बाद में छोड़ देना है, तो आपका इंडिकेटर रेड से ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद इस बीपी आइसोलेशन कॉक को हम ओपन कर देंगे और गाड़ी नॉर्मल स्पीड पर जाएगी। इसके अलावा दूसरी एक प्रॉब्लम आ सकती है कि एयर बेलो बस्ट हो जाए, पंचर हो जाए, तो उस कंडीशन में एनरूट में इस एयर वेलो को ठीक नहीं किया जा सकता। तो हमें क्या करना है, एयर वेलो बस्ट होगा तो इसका प्रेशर ड्रॉप होगा। फीबा डिवाइस जो है वो एयर वेलो में अगर प्रेशर 1 ± 0.01 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो जाता है तो उसे सेंस करती है और सेंस करने के बाद में बीपी के प्रेशर को एग्जॉस्ट वाल्व से ड्रॉप करती है, जिससे पूरी गाड़ी में ब्रेक अप्लाई हो जाता है और इंडिकेटर इसका रेड हो जाता है। तो हमें सबसे पहले आकर के इस बीपी आइसोलेशन कॉक को क्लोज कर देना है, बंद कर देना है, यानी कि इसको आइसोलेट कर देना है। आइसोलेट करने से क्या होगा, पूरी गाड़ी रिलीज हो जाएगी। उसके बाद हमें चेक करना है कि कहां क्या प्रॉब्लम हुई है। तो हमें पता चलता है अगर एयर बेलो बस्ट हो गया है तो हमें क्या करना है, जिस साइड का एयर बेलो बस्ट हुआ है उस साइड के बोगी आइसोलेशन कॉक को बंद कर देना है। अब ये बोगी आइसोलेट हो चुकी है, अब इसमें एयर फ्लो नहीं हो रहा है। साथ साथ क्या करना है, ये दोनों आइसोलेशन कॉक को ओपन कर देना है, जिससे इसमें जो भी एयर रहेगी वो बाहर निकल जाएगी और जो एयर वेलो है वो अपनी इमरजेंसी स्प्रिंग में बैठ जाएगा। उसके बाद इसे हमें फीबा को रिसेट करना है, जो इसके रिसेट प्रोसेस है। रिसेट करने के बाद में इंडिकेटर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन एयर वेलो बस्ट हो चुका है इसलिए हम इस बीपी को ओपन नहीं करेंगे, बीपी आइसोलेशन कॉक को ओपन नहीं करेंगे और गाड़ी को 60 km/h की स्पीड से जाने देंगे। एक केस ये बनता है कि फ्लेक्सिबल हॉर्स पाइप आपका फट जाता है या फेरुल खुल जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो प्रेशर ड्रॉप होगा इस प्रेशर ड्रॉप को फीबा सेंस करेगा और फीबा सेंस करने के बाद में इस बीपी के प्रेशर को अपने एग्जॉस्ट पोर्ट से ड्रॉप कर देगा, जिससे पूरी गाड़ी के अंदर ब्रेक लग जाएगा और फीबा का इंडिकेटर भी रेड हो जाएगा। उस कंडीशन में सबसे पहले आकर के इस बीपी आइसोलेशन कॉक को बंद कर देना है, यानी आइसोलेट कर देना है। आइसोलेट करने के बाद में जो फ्लेक्सिबल पाइप फटा है या फिर फेरुल आपका खुल गया है, यहाँ पे हमें डमी प्लग लगा देना है। डमी लगाने के बाद में इस फीबा को हमें रिसेट प्रोसेस के थ्रू रिसेट करना है और इसे बंद कर देना है, आइसोलेट कर देना है। रिसेट करने के बाद में आपका इंडिकेटर ग्रीन हो जाएगा और गाड़ी को एस्कॉर्टिंग स्टाफ के साथ नॉर्मल स्पीड पे डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाने देना है।
इसके अलावा एक केस ये भी हो सकता है कि इस आइसोलेशन कॉक के बाद में यहाँ पे कहीं कोई लीकेज हो जाए, आपका पाइप फट गया है या पाइप टूट गया है या इस तरह का कोई लीकेज हो जाए, उस कंडीशन में क्या करना है, लीकेज होते ही फीबा इसको सेंस करेगा और फीबा बीपी के प्रेशर को ड्रॉप करेगा और इंडिकेटर आपका रेड हो जाएगा। सबसे पहले वही प्रोसेस करना है हमें, बीपी के आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के बाद में यहाँ अगर लीकेज है तो इस मेन आइसोलेशन कॉक को बंद कर देना है, जिससे पूरा इस कोच का न्यूमेटिक सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा। अब हमें इस फीबा को रिसेट करना है। रिसेट करने के बाद में इंडिकेटर आपका ग्रीन हो जाएगा और गाड़ी को जाने देना है। अगर हम लास्ट में कंक्लूड करना चाहें तो हम देखेंगे कि पूरे न्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम में किसी भी रीजन से कोई लीकेज हुआ हो या किसी भी रीजन से फीबा आपका एक्टिवेट हुआ हो, चाहे वो एयर वेलो बस्ट होने की वजह से हो, फ्लेक्सिबल पाइप फटने की वजह से हो, फीबा की खराबी की वजह से हो या कहीं कोई और लीकेज की वजह से हो, अगर फीबा एक्टिवेट हुआ है तो दो चीज़ें होंगी। पहला ये कि फीबा के एग्जॉस्ट पोर्ट से बीपी का प्रेशर ड्रॉप होगा, बीपी का प्रेशर ड्रॉप होने से पूरी गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा और फीबा का इंडिकेटर रेड हो जाएगा। ये दोनों बातें होंगी। इन दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है, आकर के सबसे पहले फीबा से बीपी का आइसोलेशन कॉक जो दिया हुआ है इसे बंद कर देना है, फीबा को बीपी से आइसोलेट कर देना है। इस आइसोलेशन कॉक को बंद करने से पूरी गाड़ी रिलीज हो जाएगी। उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो बेलो बस्ट हुआ हो, अगर बेलो बस्ट हुआ है तो हमें इस बॉगी को आइसोलेट कर देना है और फीबा को रीसेट करना है। अगर कहीं और कोई लीकेज है, इस ट्रांस में कोई लीकेज है तो पूरे न्यूमेटिक सिस्टम को हमें बंद कर देना है और फीबा को रीसेट करना है। यानी कि हमें दो काम तो करने ही करने हैं, एक फीबा से बीपी को आइसोलेट करना है और दूसरा फीबा को रीसेट करना जरूरी है। फीबा को जब तक हम रीसेट नहीं करेंगे ये इंडिकेटर आपका ग्रीन नहीं होगा। तीनों कंपनी का जो रीसेट प्रोसेस है उस रीसेट प्रोसेस के थ्रू हमें रीसेट करना है और इंडिकेटर को ग्रीन करना है और गाड़ी को जाने देना है। इन दोनों काम के बगैर गाड़ी नहीं जाएगी। उसके अलावा अगर वेलो बस्ट हुआ है तो बोगी को आइसोलेट कर देंगे, कहीं और कुछ लीकेज है तो आइसोलेशन कॉक के थ्रू हमें पूरे न्यूमेटिक सिस्टम को आइसोलेट कर देंगे और ये आइसोलेशन कॉक को बंद कर देंगे, जिससे पूरी की पूरी एयर एग्जॉस्ट हो जाए। धन्यवाद।